उस इलाके के कुछ लोकल बकरवाला ने हमें बताया। काल सिंह चड्ढा जी उस्ताद, आज मैं तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आपके हर हुक्म का पालन करना है उस्ताद। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। जीनियस? तुम्हें पता है तुम जीनियस हो लाल? नहीं उस्ताद, अभी पता चला। जीनियस सुना तुम लोगों ने? बस कुछ चीजें याद रखनी थी, बिस्तर ठीक से बनाना, सीधा खड़ा रहना और हर सवाल दे जवाब विच कहना। अन्ना तेरी बनियन का कट तो पूरा ही गलत है। ये देख, यहाँ से लूज है और इधर से टाइट है। ये देख मेरी वाली का कट कैसे फिट होती है, और हाथ भी खींचता नहीं है, एकदम फ्री। और तेरी चट्टी भी ना, उसका भी कट गलत है। ये देख मेरी वाली, हमारा गांव में एक भी ऐसा मन नहीं है जो मेरा नाना जी की बनाई हुई चड्डी बनियान नहीं पहनता। हथियार रेडी उस्ताद। क्या भाई गॉड, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुमने कहा इतनी जल्दी संभाल कैसे कर दी? आप ही ने कहा था उस्ताद जल्दी करना। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो, जीनियस, दोबारा करो। जी उस्ताद। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि आजकल मार्केट में अलग अलग नया मटेरियल मिलता है चड्डी बनियान के लिए। मुझे ऐसी चड्डी बनियान बनानी है जो पसीना से गीली ना हो, बहुत दिखेगी। तू मुझे बताना ऐसा एक भी मर्द नहीं देखा जो चड्डी बनियान नहीं पहनता? अरे रास्ते पर घूमता बेगर में और कुछ पहना ना पहने चड्डी कंपलसरी पहनता है। चड्डी बनियान के बिना लाइफ में आराम ही नहीं, जैसे चड्डी बनियान वैसी लाइफ। मुझे अलग अलग टाइप चड्डी बनियान बनानी है, सर्दी के लिए एक चड्डी बनियान और गर्मी के लिए एक अलग चड्डी बनियान, खेल कूद के लिए एक चड्डी बनियान और सोने के लिए एक अलग चड्डी बनियान, और स्वागत के लिए एक स्पेशल चड्डी बनियान। तुझे सीखना है? आओ बाला दे वास्ते बनाई। दूजी उस्ताद जी दे वास्ते। फिर सबने मांगना शुरू कर दिया, ता हर छुट्टी दे दिन मैं चड्डी बनियान बनाता था सब दे वास्ते। अरे जल्दी से टीवी ऑन करो, मिस यूनिवर्स आ रहा है। द फर्स्ट रनर अप इज मिस कोलंबिया। दैट इज द फर्स्ट कोलंबिया। मैनू रूपा दी बहुत याद आंदी सी। बंबई जाने तो बाद रूपा दी कोई खबर ही नहीं आई थी जी। जो देख दो नंगे और एक सांप, क्या लक्की है सड़ा सांप। पेपर विच लिखा था कि वो बड़ी मुश्किल विच फंस गई है। उसने कुछ कपड़े पहने थे जो लोगों नू पसंद नहीं आए जी, ता पुलिस ने उसनू जेल विच बंद कर दिता। मैनू उसकी बड़ी फिक्र हुई जी, मैं छुट्टी लेके सीधा बंबई पहुंचा। ज्यादा ही नंगा घूमने का शौक है तो चल मेरे साथ। क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम हर जगह मुझे बचाने नहीं आ सकते लाल। वो तेनू गंदी बात कह रहा था तेरे बारे। तो क्या हुआ, बहुत से लोग मुझसे गंदी बातें करते हैं, किन किन लोगों से बचाते फिरोगे? सबसे सबसे। रूपा मेरे साथ ब्याह करी। तुम्हें ब्याह का मतलब ही पता है? आओ हम एक दूसरे से बहुत अलग है लाल। मुझे आम इंसान नहीं बनना, बहुत ऊपर जाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। हूँ कुछ दिनों मेरी पोस्टिंग हो जानी है, पता नहीं कितने। रूपा मैं तेनू रोज चिट्ठी लिखांगा। चल।
बाज भाई, ये रुपा है, आपको बताया था ना हीरोइन बनना है इसे। बल्ला और मेरी ट्रेनिंग 1995 में पूरी हो गई जी। एक साल बाद बाला ने शादी भी कर ली। रूपा नु देखे मैनू 4 साल हो गए सी। याद आ रही है ना मुझे भी। फैमिली चित्रा भवानी बानू जूनियर बाला जूनियर बाला मैं बहुत दिनों से तुमको एक बात पूछनी है। पूछो। आओ। मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगी? मैं सब सोच लिया है। हम सर्विस छोड़ने के बाद वापस जाके छड़ी बनियन बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मेरा पूरा प्लान तैयार है। देख तुम मैन्युफैक्चरिंग संभालना तो मैं मार्केटिंग करूंगा। शुरू में हमें सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करना है। 3 मशीन 30,000 में आएंगे। एक तुम चलाना और बाकी 2 वर्कर्स रखेंगे। तो दिन में 20 चड्डी बनियन सीती हो तो बाकी 2 वर्कर्स 10-10 सीएंगे। मतलब मैंने क्या हो गया 1,000। हमारा सेल 2 महीने में शुरू होती है तो भी मैं 800 ऑर्डर इजली ले आऊंगा। खर्चा वर्चा निकाल कर 3 महीने में प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। कैसा है मेरा प्लान? चंगा जी। तो मेरा पार्टनर बनोगी? आओ जी। अगली सुबह हमें एक मिशन पे भेजा गया जी। उस वक्त हमारी पोस्टिंग कारगिल में थी। कप्तान साहब ने कहा कि कुछ दुश्मन घुसा है, उन्हें मार भगाना है। ये मारना अच्छा नहीं लगता है ना? मुझे भी। दोनों सेम टू सेम है, दूसरी के साथ। जैसे तुम छड़े मैं बनियान। बाय बाय। बाकी पहाड़ियां विच 5-6 दुश्मनों ने एक बंकर बना लिया है जी। ओ बकरवाल हमारे साथ आए जी रास्ता दिखाने वास्ते।